प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 30 देखो, हो सकता है आप इसमें बहुत जल्दी आंसर लगा दें और हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें मार खा जाएं। आपसे कह रखा है कि आपके पास एक पी नंबर है और एक क्यू है, और ध्यान देना यहाँ पर आपसे यही कह रहा है कि ए और बी जो है वो प्राइम नंबर है, ए और बी का आपस में कोई भी फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर है आपस में। तो हमसे कह रहा है बताओ एलसीएम बताओ पी और क्यू का, तो पी का और क्यू का एलसीएम बताना। तो पी को आप लिख लो कुछ इस तरह से, ए बी स्क्वायर, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। और वैसे ही क्यू को लिख लो आप, ए क्यूब है तो ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए इंटू बी। अब एलसीएम का एक रूल होता है, जो कॉमन है वो ले लो, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, और जो बच जाए उसको भी ले लो। तो ये भी बच गया ए, और ये वाला भी बच गया ए, और ये वाला भी बी बच गया, जो बच जाए उसको भी ले लो। बस यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ए कितनी बार हो जाएगा, तीन बार, तो ए क्यूब, बी कितनी बार है, दो बार, तो बी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, एंजॉय भी आ रहा है और आप लोगों की मदद कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है।